नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। ये है अंडे के ट्रे। मैं इसी ट्रे से फूल बनाने जा रही हूँ। इसको काटने के लिए साइड से ही काटना आसान होगा और अलग अलग पीस करके काटना पड़ेगा। इसको साइड से मिला के काटने से कटोरा के रूप में बनेगा। फूल बनाने के लिए अब आप कितने पत्ते वाले फूल बनाना चाहते हैं, 5, 7 या जितना भी, उतना ही आपको कट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ 5 किसी में 7 कट करके फूल के शेप में गोल गोल काटा। दोनों तरफ गोल गोल घुमा के काटने से आसान होगा। ऐसे फूल जैसा बन गया। ये देखिए, इतना सारा फूल मैंने बना लिया। अब मैं फैब्रिक कलर से कलर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये सारा फूल एक ही ट्रे से बना है। एक ही ट्रे काफी है फूल बनाने के लिए। इसको दोनों तरफ कलर करने से थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। यहाँ मैं 3 कलर, रेड, ऑरेंज, येलो से कलर कर दिया है। सूखने के बाद मैंने फूलों के पीछे वाला भाग डंडा भी बना रही हूँ। वो फूल के कटा हुआ पीस को 2 भाग करके डंडे के लिए बनाया है। अब फूलों को थोड़ा सजाने के लिए मैंने छोटा और बड़ा गोल्डन दाना लिया, लेकिन मुझे बड़ा ही दाना ठीक लगा और सारा फूल के बीच बीच में चिपका दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब डंडे में भी ग्रीन कलर कर दिया। ये तो एक ही साइड कलर करने से जल्दी ही सूख जाएगा। और ये मेरे पास पुराना फूलों का डंडा पड़ा था, मैं इसी को ही यूज कर रही हूँ फूलों के डंडे के लिए। मुझे बहुत मदद हुआ ये फूल बनाने में। अब शुरू कर रही हूँ फूल बनाने। और ये भी मेरे पास एक केक ट्रे था, ये भी यूज में आ गया। इसको भी उसी तरह कट करके इसके ऊपर मिरर चिपका दिया और उसी के चारों तरफ फूल लगा दिया। ये भी एक होम डेकोर बन गया।
सकते हैं या इसके ऊपर कैंडल स्टैंड रख सकते हैं या ऐसे ही सजा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब फाइनली लुक इस तरह दिख रहे हैं फ्रेंड। मैंने सोचा भी नहीं था इस तरह बनेगा कबार में फेंकने वाला इस सामान से इतना अच्छा होम डेकोर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय।